हैदराबाद के मैदान पर केएल राहुल और लखनऊ के मालिक संजीव गोयनका के बीच तीखी बहस हुई थी। संजीव गोयनका केएल राहुल पर भड़ास निकालते हुए नजर आए थे, क्योंकि एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी हैदराबाद ने। ये जो तस्वीरें आपने देखी और जो देख रहे हैं आप, ये क्रिकेट के लिए अच्छी तस्वीर नहीं थी। लोगों ने कयास लगाना शुरू किया, कहा कि केएल राहुल एलएसजी की कप्तानी छोड़ दें, कहा गया कि केएल राहुल एलएसजी टीम के साथ दिल्ली नहीं पहुंचे हैं, तमाम तरह की खबरें आई। लेकिन अब जो तस्वीरें आई हैं, ये जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, केएल राहुल और उनकी टीम के मालिक संजीव गोयनका के साथ मिलने की। दरअसल लखनऊ की टीम इस वक्त दिल्ली में है और दिल्ली के साथ उनका मुकाबला होना है। इसी बीच लखनऊ की टीम के मालिक संजीव गोयनका ने केएल राहुल को अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट किया, साथ ही साथ सारी बातों को खंडन करने के लिए ये जरूरी था। केएल राहुल पहुंचे और दोनों बहुत गर्मजोशी से मिलते हुए नजर आए। संजीव गोयनका ने राहुल को गले भी लगाया, साथ ही साथ अब उन सारी बातों का खंडन हो चुका है कि राहुल और गोयनका के बीच सब ठीक नहीं है। एक्चुअली में गोयनका थोड़ा सा क्रिकेट को लेकर या खेल को लेकर उत्साहित रहते हैं। जब उनकी टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं करती तो फिर अपनी भावनाएं व्यक्त करने में पीछे नहीं हटते। पिछली बार जब उन्होंने अपनी टीम लखनऊ सुपर जायंट्स के पहले राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स खरीदी थी तो उन्होंने धोनी को कप्तानी से हटा दिया था, तो वो एक्शंस लेते हैं। ये सारी चीज़ें उनके साथ पहले भी देखी जा चुकी हैं, तो वहाँ पर थोड़ी बहुत बहस हुई थी, क्योंकि लखनऊ के जो असिस्टेंट कोच हैं लांस क्लूजनर, उन्होंने भी ये बात कहा कि दो क्रिकेट प्रेमियों के बीच ये बातें हो रही थी और ये आम बात है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब के राहुल और गोयनका मिले तो वहाँ पर राहुल की वाइफ आथिया शेट्टी का एक पोस्ट आता है, जो उन्होंने बिना नाम लिए बड़े सटीक तरीके से बयान दिया कि ये जुड़ा तो उन्हीं लोगों से है। आथिया शेट्टी पोस्ट करती हैं कि ये तूफान से पहले की शांति है, यानी कि अब सब ठीक है या फिर कुछ बड़ा होने वाला है, ये भी बड़ी बात होने वाली है। लखनऊ और दिल्ली के बीच आज दिल्ली में मुकाबला होना है, साथ ही साथ अभी लखनऊ की टीम प्लेऑफ से बाहर नहीं हुई है। दोनों अगर जीतते हैं तो प्लेऑफ की रेस में बरकरार रहेंगे। इसी के साथ अब जो तस्वीरें हैं, यानी कि अब राहुल और गोयनका के बीच सब कुछ ठीक नजर आ रहा है, हालांकि अभी के लिए, बाद में क्या होगा किसी ने देखा नहीं। पर आप हमें कमेंट करके बताइए, क्या इन सब के बावजूद राहुल को एलएसजी में रहना चाहिए या नहीं। तब तक के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।